स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5, स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें दो मेथड के सम होंगे। फर्स्ट मेथड होगी कार्ल पियर्सन्स मेथड और सेकंड होगी बाउलीस मेथड। क्लियर, दो तरह के ही सम हैं और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चैप्टर नंबर 3 और 4 में जो सिक्के आए ना, वही सारे स्टेप यहाँ पे रिपीट होंगे, यानी कि एक्स बार, फिर उसके बाद में मीडियन, क्वार्टाइल और उसके बाद में मोड। ये जो भी टॉपिक हम सीख के आए हैं वही इसमें रिपीट होंगे। यानी ये कुछ जो हम सोचते हैं ना कि भाई हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सम है। स्टार्ट होंगे ना सम, आपको क्लियरली पता चल जाएंगे। अब सम स्टार्ट करने से पहले हम मेथड के फॉर्मूलास देख लें। तो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, फर्स्ट मेथड कार्ल पियर्सन्स मेथड। उसमें जब भी सम के अंदर सिर्फ एक मोड दिया हो, यानी व्हेन वन मोड इज टू बी फाउंड, जब भी सम के अंदर सिर्फ एक मोड ही हम फाइंड कर पाए, तो कौन सा फॉर्मूला होगा? जब सम के अंदर एक मोड होगा तो ये एस के यानी स्क्यूनेस इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एमओ, एमओ यानी मोड। फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसको जे लिखा जाता है, जे इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एमओ डिवाइडेड एस, एस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसकी जो वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की यानी जे की, इसका जो आंसर है वो -1 या तो +1 या तो उसके बीच में होगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं। -1 लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू 1, यानी -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, या तो इसके बीच में हो सकता है, 0.1 -0.1 इस तरह से भी हो सकता है। क्लियर, अब हम आगे बढ़ें। दूसरा टॉपिक क्या था? फर्स्ट था व्हेन वन मोड इज़ टू बी फाउंड। अब सम के अंदर जब एक मोड हो तो ये फॉर्मूला स्क्यूनेस के लिए, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी अभी मैं जे बोलता जाऊंगा, जहाँ पे भी जे बोलूँगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही समझना है। एस के लिए ये और जे के लिए ये, और जे की वैल्यू -1 +1 और उसके बीच में होगी। लेकिन जब भी सम के अंदर एक से ज़्यादा मोड दिए हों, या तो कोई भी मोड हम फाइंड ही ना कर पाए, या तो एक से ज़्यादा मोड फाइंड हो जाए, यानी या तो एक से ज़्यादा मोड दिए हो, या तो एक भी मोड फाइंड ना हो पाए, ऐसी सिचुएशन हो, तो ग्रुप डेटा हो, अनग्रुप डेटा में डिस्क्रेट या तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी हो, स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये एस के, ये एस के, ये एक्स बार माइनस मोड था, ये एक्स बार माइनस मीडियन, मीडियन से फाइंड होगा, 3 × x̄-m। और जे इज इक्वल टू 3 × x̄-m डिवाइडेड एस, इसमें भी यही था, एस के x̄-m, जे में सिर्फ नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन था, इसमें भी 3 × x̄-m, जे में सिर्फ नीचे एस। और इसमें जे की जो वैल्यू होगी, जे का जो आंसर, वो -3 + 3 या तो उसके बीच में होगा। क्लियर हुआ? सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे इनटू में कुछ नहीं था, तो क्या होगा? 1 ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे -1 to +1, और इसमें × 3 किया है, इसलिए यहाँ पे -3 to +3। क्लियर हुआ? जब भी सम में सिर्फ एक मोड दिया हो ना, तब ये दोनों अप्लाई होंगे, और जब सम में एक से ज़्यादा मोड फाइंड हो, या तो कोई भी मोड फाइंड ना हो पाए, तब ये दो फॉर्मूला से अप्लाई होंगे। क्लियर हुआ? अब हम ये कार्ल पियर्सन की मेथड थी, हम आगे जाएंगे बाउलीस मेथड में। बाउली की मेथड है, पूरी क्वार्टाइल पे है। क्लियर हुआ? तो वो हम देख लेते हैं अभी, बाउलीस मेथड। उसमें एस के लिए Q3 - मीडियन - मीडियन - Q1 ये लिख सकते हैं, या तो फिर एस के इज इक्वल टू Q3 + Q1 - 2m, ये इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद ही ये फाइंड हुआ है। क्लियर, सब जगह पे हम देखेंगे तो यही दिया होगा, एक ये और जे के लिए ये। क्लियर हुआ? कभी कभार क्या है, सम के अंदर ये मेथड से भी फाइंड करने को बोला हो सकता है, यानी इस तरह से इंफॉर्मेशन दी हो, और हम इस तरह से भी ये फॉर्मूला भी लिखने के बाद हम कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं आगे।
और जे के लिए क्यू थ्री माइनस एम माइनस एम माइनस क्यू वन, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ये सेम ही दिया है, यही फॉर्मूला यहाँ पे हमने दो बार लिखा है, ऊपर एक बार माइनस नीचे एक बार प्लस। या तो इसकी कैलकुलेशन की जाए तो इसके बाद में इस पर से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, एंड जे इज इक्वल टू क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एम डिवाइडेड क्यू थ्री माइनस क्यू वन। क्लियर, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे, और इसकी जे की वैल्यू माइनस वन प्लस वन या तो इसके बीच में इसकी वैल्यू होगी, इसका आंसर होगा। क्लियर, अब हम स्टार्ट करेंगे 5.1 सम नंबर वन। एक्सरसाइज 5.1 सम नंबर वन। 5.1 कार्ल पियर्सन है, 5.2 बाउलीज मेथड है, फिर फिनिश एक्सरसाइज 5। अब इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज डिमांड ऑफ 500 मिली पाउचेस ऑफ पेस्चुराइज्ड टोंड मिल्क बाय 59 कंज्यूमर्स, फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम दिस डेटा। अब कोएफिशिएंट ही डायरेक्ट बोल दिया है तो हमें एस के तो फाइंड करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली जे भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एस के ही फाइंड करना होगा। तो इसमें सबसे पहले दिया है एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और नंबर ऑफ कंज्यूमर यानी FI, यानी ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम फाइंड देखेंगे कि फर्स्ट हमारा फॉर्मूला होगा या सेकंड, कार्ल पियर्सन के मेथड में हमें मोड पे खास ध्यान देना है। अगर एक मोड फाइंड हुआ तो सब सही जा रहा है, लेकिन अगर या तो मोड ही फाइंड ना हो या तो एक से ज़्यादा मोड हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 3 × x̄ − m, यानी मोड की जगह पे मीडियन से हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो सम में देखो मोड किस तरह से पता चलेगा, जब भी इस तरह से सम दिया हो ना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। अगर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी एक बार ही दी हो ना तो वन मोड होगा, और एक से ज़्यादा यानी कोई भी दो नंबर सबसे बड़े हो और वो सेम हो, दो नंबर भी सेम हो सकते हैं, तीन नंबर भी सेम हो सकते हैं, ज़्यादातर दो नंबर ही सेम दिए जाते हैं, तो FI के रो में, हम FI में रो वाइज देखेंगे, तो FI के अंदर अगर सिर्फ कोई भी एक नंबर सबसे बड़ा हुआ तो उसमें एक मोड़ दिया है, वो समझना है सम के अंदर कितने मोड़ है, सिर्फ एक। तो हम फर्स्ट वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x̄ − m वाली, लेकिन FI में अगर जो बड़ा नंबर दिया हो, सबसे बड़ा नंबर, अगर वो रिपीट हो रहा है तो फिर कौन सी मेथड अप्लाई होगी, मीडियन वाली। क्लियर, एक मोड़ हो तो मोड़ वाली, अगर एक से ज़्यादा मोड़ हो या तो मोड़ ही फाइंड ना हो तो मीडियन वाली। तो इसके अंदर सबसे पहले FI के अंदर सबसे बड़ा नंबर 15 है, यानी हमें क्या समझना है, ये जो 15 दिया है, क्लियर, उसके साथ दूसरा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो उससे बड़ा है या तो उससे छोटे होंगे, इससे बड़ा नंबर कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा वाला नंबर 15 है, और दूसरा भी कोई नंबर ऐसा नहीं जो 15 हो, 15 एक बार ही दिया है, वन टाइम ही दिया है, यानी इसमें वन मोड फाइंड होगा, और वो मोड किस तरह से फाइंड होगा, मैंने पहले ही बोला था, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर देखो वो 15 है, उसके सामने ऑब्जर्वेशन देखो x क्या दिया है 15 के ऊपर 4, यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी इसमें एक मोड दिया है, इसलिए हम कौन से मेथड, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला। अब इतना समझाने के बाद दूसरे समय में डायरेक्टली शॉर्ट में ही समझाऊंगा। क्लियर, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्या होगा यहाँ पे x, यहाँ पे f, और यहाँ पे 1 2 3, 1 से 8 है ना, सबके बीच का डिस्टेंस सेम है, यानी हम शॉर्टकट मेथड में जाएंगे। शॉर्टकट मेथड में क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना है और x बार भी इजीली हो जाएगा। एक्स एफ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, फिर FIDI, फिर FIDI का स्क्वायर। क्लियर, एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे होगा टोटल,
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 2, 7, 10, 15, 2, 7, 10, 15, 12, 7, 4, 2, 12, 7, 4, 2 और n इज इक्वल टू 59 जो ऊपर पहले से ही दे दिया है हमें। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर को एज्यूम कर लेंगे। तो इन्होंने 4 को एज्यूम किया है तो हम भी 4 को एज्यूम कर लेंगे। क्लियर। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4। आपको पता ही है किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। ये पूरा मीन यानी एक्स बार जिस तरह से फाइन करते हैं वही है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक्स बार के लिए और ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अब एफ आई डी आई, 2, 3 -6, 7, 2 14, 10, 1 10, 0, 12, 14, 12, 8, सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 16। फिर एफ आई डी आई का स्क्वायर, तो एफ आई डी आई इंटू डी आई, एफ आई डी आई इंटू डी आई यानी एफ आई डी आई का स्क्वायर, 6, 3 18, फिर 28, 10, 0, 12, 28, 36, 32, सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 164। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्स बार फाइन करेंगे, फिर मोड फाइन करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो अभी सारी कैलकुलेशन आपको पता चली गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मूला से। फॉर्मूला में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी, इंटू सी यानी वन होगा, इंटू सी लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए 4, एफ आई डी आई 16, एन 59, सी 1 हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिखने वाला यहाँ पे। फिर 4 प्लस इन दोनों का डिवीज़न 0.27, 4.27, अब आगे फिर क्या होगा, देयरफॉर मोड। तो इसमें ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 15, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 4। क्लियर। हम डायरेक्टली मोड इज इक्वल टू 4 लिख देंगे तब भी चलेगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सप्लेनेशन दिखानी ही पड़े, फिर भी लिखो तो अच्छा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 15, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 4। क्लियर। या तो डायरेक्टली इस तरह से लिख दोगे तब भी चलेगा, या तो फिर लिख देते हैं, चलो हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 15, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 4। क्लियर। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड पॉइंट में हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट में सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर। क्लियर। इनटू सी, सी वन है इसलिए हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर यानी 164 डिवाइडेड 59, ये 16 डिवाइडेड 59 का स्क्वायर। अब इन दोनों का डिवीज़न क्या होगा, 2.78, और इन दोनों का डिवीज़न तो हमें पता ही है 0.27 उसका स्क्वायर। फिर एक्स स्टेप ही आगे, 0.27 का स्क्वायर कितना होगा, 0.0729, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 2.7071, और स्क्वायर रूट कितना होगा इसका, 1.65। क्लियर। ये भी फाइंड हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जे डायरेक्टली इसकी कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट जे इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बार माइनस एम ओ डिवाइडेड एस, तो एक्स पर 4.27, ये 4
और ये 1.65, 0.27 डिवाइडेड 1.65 इज इक्वल टू 0.16। जो आंसर बोला है वही उसके पीछे ही ये बॉक्स बना के आंसर लिखना है, अदरवाइज किसी के सब में बॉक्स किया जाएगा लेकिन किसी के पीछे आंसर लिखा जाएगा नहीं। सिर्फ ये कि जो फाइनल आंसर हमें बोला है वो उसके पीछे ही हम आंसर लिखेंगे इस तरह से, क्लियर। तो ये हमारा सम नंबर वन क्लियर हो गया। इसमें सिर्फ एक ही मोड था इसलिए हमने मोड से फाइंड किया। अब जब मोड एक से ज़्यादा दिए हो या तो मोड फाइंड ही ना हो तब मीडियन से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्लियर। सम नंबर टू देख लेते हैं अभी। सम नंबर टू में क्या दिया है, सम नंबर टू है उसमें द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज परचेसेस ऑफ टी शर्ट बाय 270 कस्टमर्स, यानी टोटल एन इज इक्वल टू 270, वहां पे अंडरलाइन कर देना 270 और अंडरलाइन करके ऊपर एन लिख देना। फिर टू द शोल्डर लेंथ इन इंचेस फाइंड कार्पियरसन कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस फ्रॉम दिस डेटा एंड इंटरप्ट इट। अब आप है ना कार्ल पियर्सन से लेके पूरा सेंटेंस है उसमें अंडरलाइन कर देना ताकि हमें मेन पता चले कि क्या फाइन करना है, कोएफिशिएंट और इंटरप्ट इट, लास्ट में वो भी दिखना है इंटरप्रिटेशन, क्लियर। तो इंटरप्रिटेशन हम बाद में देखेंगे, पहले कैलकुलेशन। इसमें भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, सबके बीच में क्लास लेंथ तो इक्वल है, क्लियर। यानी शॉर्टकट मेथड से हम एक्स बार फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक्स बार की प्रोसेस हुई। अब हमें देखना है कि ये मोड से फाइंड होगा कि मीडियन से, तो चेक हमें मोड ही करना है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अगर दो बार हो या तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अगर रिपीट हो रही हो तो क्या समझना है कि एक से ज़्यादा मोड दिए हैं, तो हमें मोड है वो मेथड अप्लाई नहीं करनी। कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई द मीडियन मेथड, क्लियर। तो इसमें देखिए आप 56 56 वहाँ पे राउंड कर देना पेंसिल से, दो नंबर दिए हैं जो सबसे बड़े हैं, यानी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दो बार दी है 56 56, पेंसिल से राउंड करना, पेन से नहीं, पेंसिल से राउंड करने के बाद फिर जब भी आप देखोगे ना ये सम, आपको तुरंत ही लाइट हो जाएगी कि इसमें दो नंबर दिए हैं सेम है सबसे बड़े, इसलिए हमने यहाँ पे मीडियन अप्लाई किया है, क्लियर हुआ। अब हम सम नंबर टू स्टार्ट करेंगे, यानी ये मीडियन से फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर हुआ। तो सम नंबर टू यहाँ पे होगा एक्स, यहाँ पे एफ, फिर डी आई एक्स माइनस ए, फिर एफ आई डी आई, फिर एफ आई डी आई का स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 12, 12.5, फिर 13, 13.5, 14, फिर 14.5, 15, 15.5, 16, क्लियर। फिर फ्रीक्वेंसी होगी 5, 20, 30, 47, आफ्टर दैट 56, 56, 37, 16, 3, एन इज इक्वल टू 270, क्लियर। अब कोई भी नंबर एक एज्यूम कर लो, तो 14 को ही एज्यूम किया जाएगा 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। ये इस तरह से हमने डायरेक्ट 1, 2, 3, 4 क्यों लिखा, क्योंकि सबके बीच में क्लास लेंथ इक्वल है, इसलिए शॉर्टकट मेथड से क्या होगा डायरेक्टली आंसर 1, 2, 3, 4 ही आएगा, और इसमें क्लास लेंथ 0.5, क्लियर, वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी और इनटू बी सी करना पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 4 20 60 60 47, फिर 0 56, फिर 72 48 12, आफ्टर दैट सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 3, और डी आई इंटू एफ आई डी आई यानी एफ आई डी आई का स्क्वायर 24 80 180 120 47 0 56, फिर क्या होगा 56, उसके बाद में 148,
फिर 144, फिर 48, क्लियर। और इसका टोटल होगा सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 823। अब मैं इसमें एक कॉलम बनाना भूल गया और वो है सी एफ आई, क्योंकि मीडियन में सी एफ आई कंपल्सरी है, तो यहाँ पे हम सी एफ आई फाइंड कर लेंगे। आप अच्छी तरह से लिख देना, क्लियर। सी एफ आई में क्या होगा, फर्स्ट 5, फिर 25, फिर 55, फिर 102, फिर 158, 214, 251, 267, 270। ये होने के बाद अब हम फाइंड करेंगे ये सी एफ आई। अब एक कॉलम बना देना, मैं भूल गया था इसलिए। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप। कौन सा फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप होगा एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड एन इंटू सी। ए था 14, ये 3270 इंटू 0.5, 14 प्लस 1.5 डिवाइडेड 270। डायरेक्टली आंसर क्या होगा, ये 14 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 14.01। क्लियर, 14.01। अब हम आगे बढ़ेंगे मीडियन। मीडियन किस तरह से फाइंड होगा, एन प्लस वन डिवाइडेड टू ऑब्जर्वेशन। क्लियर, ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें एन यानी 270 प्लस वन डिवाइडेड टू, 271 डिवाइडेड टू, यानी इसमें आंसर क्या होगा, 135.5 ऑब्जर्वेशन। अब ये जो है ना 135.5, वो हम सी एफ आई में चेक करेंगे कौन से रेंज में, कौन से नंबर के बीच में होगा, कौन से रेंज में होगा ये। तो सी एफ आई में 135 यानी 102 से 158 में आएगा, इन दोनों में से बड़ा नंबर 158। अब उसके सामने 158 के सामने हम डायरेक्टली एक्स में देखेंगे, क्लियर। ये 135 इन दोनों के बीच में आएगा नंबर, ये रेंज में। अब इन दोनों में से हमें बड़ा नंबर देखना, और उसके सामने डायरेक्टली हम एक्स की कॉलम में देखेंगे 14। इट इज़ अवर मीडियन आंसर, डायरेक्टली ये लिखना है, क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, ये फाइंड किया, फिर उसको सी एफ आई में कौन सी लिमिट में आता है वो देखा। जो लिमिट में आता है उन दोनों में से सबसे बड़ा वाला नंबर और उसके सामने एग्जैक्टली जो एक्स की कॉलम में होगा वो नंबर हमने यहाँ पे एज आंसर लिखा 14, क्लियर। फिर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वेयर डिवाइडेड इन सिग्मा एफ आई डी आई होल स्क्वेयर इंटू सी। अब इंटू सी यानी 0.5, आगे सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर यानी 823 डिवाइडेड एन 270, ये 3 डिवाइडेड 270। अब ये क्या होगा, 3.0481 माइनस 0.01 स्क्वायर 0.5, 3.0481 इसका आंसर होगा 0.0001 इंटू 0.5, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3.048 इंटू 0.5। अब इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट होगा 1.746 इंटू 0.5, 1.746 इंटू 0.5 मीन्स 0.873, यानी दो डिजिट के बाद ये 5 से छोटा नंबर है, तो 0.87, क्लियर, 0.87। तो ये एस फाइंड हुआ,
अब हम क्या फाइंड करेंगे, जी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो जे किस तरह से फाइंड किया जाएगा, मीडियन से, यानी 3 × x̄ − m/s। 3 x̄ कितना है, x बार 14.01 − m, 14/s 0.87, पहले सब्ट्रैक्शन फिर इनटू फिर डिवाइडेड। तो क्या होगा ये, 3 × 0.01, 0.87, फिर 0.03 / 0.87, फिर 0.03। इट इज़ अवर आंसर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्लियर हुआ। अब ये इंटरप्रिटेशन में क्या है, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है या तो नेगेटिव है वो देखना है। प्लस में आंसर आया तो पॉजिटिव, और अगर माइनस में आंसर आता तो नेगेटिव। क्लियर। और 0.03 है यानी पॉजिटिव तो है लेकिन बिल्कुल कम पॉजिटिव है, यानी अगर 25, 30, 50, 60 दिया होता, 50 दिया होता तो पार्शियल यानी हाफ पॉजिटिव स्क्यूनेस। क्लियर, पार्शियल पॉजिटिव स्क्यूनेस। और अगर 50 से ऊपर होता तो फिर वो थोड़ा हाई पॉजिटिव होता, ये थोड़ा लो पॉजिटिव है, लेकिन ये तो बिल्कुल लो है, स्लाइटली ये पॉजिटिव बोला जाएगा इसको। तो इंटरप्रिटेशन हम क्या लिखेंगे, इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, जे इज इक्वल टू 0.03, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्लाइटली पॉजिटिव स्क्यूनेस। स्लाइटली ना लिखो, सिर्फ पॉजिटिव स्क्यूनेस लिखो तब भी चलेगा। जे इज इक्वल टू 0.03, जे इज इक्वल टू 0.03, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव कंप्लीट। पॉजिटिव स्क्यूड पूरा लिखना कंपलसरी नहीं है। क्लियर। और ये भी ना लिखो तब भी चलेगा, इंटरप्रिटेशन में अगर प्लस में आंसर आया द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यू, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव। या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, प्लस में आंसर तो पॉजिटिव लिखो, माइनस में आंसर आया तो नेगेटिव लिखो। यही इंटरप्रिटेशन है, और कुछ इंटरप्रिटेशन में लिखना होता नहीं है। क्लियर। स्लाइटली, पार्शियल, हाई, स्लो, लो, कुछ नहीं। प्लस हो तो पॉजिटिव, माइनस हो तो नेगेटिव, नन देन अदर। क्लियर। अब ये सम खत्म हुआ, और इसके जैसे ही कुछ जो सम है वो आगे मैं आपको प्रैक्टिस में भी दूंगा। क्लियर हुआ। सारे सम में नहीं करवाने वाला, यानी जितने जितनी मेथड के जो जो कॉम्प्लिकेशन वाले सम में सब मैं करवा दूंगा। बाकी जो है ना इजीली जो आपसे हो जाएंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर ना आए तो फिर मैं वो डिफ़िकल्टी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपको क्लियर हो गया। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिखो, प्लस हो तो पॉजिटिव, माइनस में आंसर हो तो नेगेटिव। क्लियर। उससे ज़्यादा कुछ भी हमें लिखना नहीं है। क्लियर। अब दूसरे जो सम है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करवाऊंगा। अभी के लिए इतना ही।